नमस्कार, जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां जेडीए ने बगराना में क्वारंटीन सेंटर शुरू किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 2000 लोगों को यहां पर क्वारंटीन किया जा सकता है। आज बेवजह बाहर घूमते 19 लोगों को यहां क्वारंटीन किया गया। BSUP फ्लैट्स में तैयार किए गए हैं क्वारंटीन सेंटर। क्वारंटीन सेंटर पर रखे गए लोगों के लिए भोजन, डिस्पोजल, कैटरिंग सामान की व्यवस्था भी की गई है। 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। 24 घंटे प्रत्येक मंजिल पर सुरक्षा कार्मिक भी नियुक्त किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 2000 लोगों की क्षमता है। आज 19 लोगों को वहां क्वारंटीन किया गया। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हैं। दीपक, 2000 लोगों की कैपेसिटी, आज 19 लोगों को पहुंचाया गया, तो क्या उद्देश्य है? जितने भी लोग नियम कायदों को तोड़ेंगे उन लोगों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है, या फिर यहां पर दूसरी सेवाओं में भी इसका इस्तेमाल होगा? बिल्कुल अपने ठीक कहा है। पहले भी बगराना को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, और अब जो सरकार ने जो सख्त गाइडलाइन जारी की है, रेड अलर्ट जो जनअनुशासन पखवाड़ा लागू किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि यदि कर्फ्यू के दौरान, यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद यदि बेवजह लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बेवजह से सड़कों पर घूमेंगे, तो उनको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, और जब तक इनकी जो RT-PCR जो रिपोर्ट है नेगेटिव नहीं आती है, तब तक उनको संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और कलेक्टर भी खुद कह चुके हैं कि इस संस्थागत क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि उनको 5 स्टार या 2 स्टार या 4 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेगी। जिस तरीके से वहां सुविधाएं हैं, भोजन और कह सकते हैं डिस्पोजल जो आइटम्स जो के लिए, वो सुविधा मिलेगी, लेकिन इस क्वारंटाइन सेंटर में 2000 लोगों की क्षमता है। यदि कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि बाहर से आता है या उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव रहती है, तो उसे बगराना क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा। देखिए, राजस्थान के अंदर करीब 1900 लोगों को आज संस्थागत क्वारंटाइन किया है, ये पूरा पुलिस का आंकड़ा है, और ये वो लोग हैं जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे। हाँ। उनको पुलिस ने अलग अलग बसों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से क्वारंटाइन सेंटर जहां स्थापित किए वहां पर इनको भेजा गया है, जिनको कि एक मैसेज जाने की कोशिश करे कि यदि आप बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे कि दूसरे लोग हैं इसको समझे, एक मैसेज जाए और मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन दीपक, सवाल है कि ये भी है कि यहाँ पर जैसा हमने अपने दर्शकों को कि पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने डिस्पोजल के चीजों को रखा गया है, सुरक्षा कर्मी भी वहां पर रहेंगे, लेकिन अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है या कुछ इस तरह की स्थिति बनती है, तो क्या कोई स्वास्थ्य कर्मी भी वहां पर तैनात किए गए हैं? चलिए, तो दीपक से संपर्क टूट गया, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि 2000 लोगों को यहां पर क्वारंटीन किया जा सकेगा जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है, और इसकी अब पुख्ता तैयारी कर ली गई है।